दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में एक सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के दिन दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ लोगों के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है। योग दिवस के मौके पर भाजपा 75,000 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेगी। पीएम के अलावा सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के सभी पदाधिकारी देश के विभिन्न जगहों पर योग दिवस के मौके पर उपस्थित होंगे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जानकारी दी है। शूटर्स के मुरल हेड समेत दो मुख्य शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 शूटर्स की पहचान की है। 6 हमलावरों ने मूसेवाला पर फायरिंग की थी। मुख्य आरोपी प्रियव्रत उर्फ गिरफ्तार दो मुख्य शूटरों के सहित 3 व्यक्तियों के कब्जे से 8 ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और लगभग 50 गोलियों सहित बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोट बरामद। NHI रिंग रोड के लिए चिन्हित भूमि की ड्रोन कैमरे से निगरानी करेगा। इसके लिए NHI ने भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। इससे किसान चिन्हित भूमि को न बेच पाएंगे और न ही उस पर निर्माण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने के मामले में योगी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। यूपी ने देश में लाउडस्पीकर उतारने के मामले में एक मिसाल भी कायम की है। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक प्रदेश में 1,32,000 से अधिक धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकरों को उतारा गया। उनकी आवाज को तय मानकों के अनुसार कम भी किया गया है। प्रदेश भर में सभी धार्मिक स्थलों से करीब 75,190 लाउडस्पीकरों को उतारने का काम किया गया है।